ठीक है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड करना था ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है तो आइडेंटिटी के लिए हमें पता ही होगा कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट उसके साथ स्टार है कि या तो वापस वही मिल जाए ठीक है वापस वही मिल जाए ओके नाउ एन एलिमेंट एन एलिमेंट इक्वल्स टू इवन कॉमाई टू अब क्योंकि जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगी वो भी क्या होगी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगी ओके okay? और ये बिलोंग कर रही होगी ए में जो आइडेंटिटी होगी वो ई e, होगी ए वन कॉमन ए टू क्योंकि ए में डिफाइंड है और ए के सारे एलिमेंट किसमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ठीक है विल बी विल बी एन आइडेंटिटी विल बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट

बिलोंग्स टू एडर्ड पेयर की बात कर रहे हैं और ए फोटो कैसी होगी इसकी ई e की फोटो कैसी होगी ऐसे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसमेंड पेयर की तो हमने फॉर ऑल ए और ए की फोटो कैसी एन कॉमी होगा क्या ए वन प्लस ई वन ए स्टार ई के जगह हम करते हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए टू इज ठीक है और इज इक्वल्स टू इक्वलिस यही मिलना चाहिए इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ए वन कॉमा तो आप देखिए क्योंकि ये ए खुद क्या है वन ए टू क्या है नेचुरल नंबर है ए वन ए टू तो बिलोंग कर रहे हैं ना किसमें नेचुरल नंबर में क्योंकि नेचुरल नंबर से ए सेट बना है उन्हीं के कार्टिशन प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिला है ए सेट मिला है ओके okay? तो विच इज विच इज विच इज नॉट ट्रू विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी ए, ओके? क्योंकि देखिए आप ई वन को कम से कम वन तो होना पड़ेगा क्योंकि जो ई e, वन होगा ना ई वन भी आपका बिलोंग किस में करना चाहिए ई वन ई टू वो भी आपके बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर में तो अब आप किसी भी नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर को एड करोगे तो वो तो मिलेगा नहीं वो तो मिलेगा नहीं तो ये क्या होगा नॉट ट्रू होगा यह क्या होगा नॉट ट्रू तो देर फॉर देयर फॉर देर इज नो आइडेंटिटी देर इज नो आइडेंटिटी ठीक है चैप्टर फिनिश है आप लोग होम पूरे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच